रणवीर शो क्लिप्स में स्वागत है आपका बस देखते रहो और सीखते रहो ये लोगों को नहीं पता हाँ। क्योंकि ये ग्लैमरस इमेज होता है स्टार्टअप्स का तो बिल्कुल ग्लैमर नहीं है वो आ, आ बहुत पापड़ बिलने पड़ते हैं पत्थर तोड़ने पड़ते हैं ऐसा होता है कि आपको हमेशा एक डर रहता है क्योंकि आपकी कंपनी ना कभी भी बंद हो सकती है ऐसी एक जो स्टार्टअप होता है ना एक वो नन्नी कली की तरह होता है जी। वो कभी भी मतलब थोड़ी सी ज़्यादा हवा आ गई कुछ किसी ने पैर उस पर रख दिया वो कली मर जाती है तो स्टार्टअप उसी की तरह होता है हर स्टेज में कंपनी के कंपनी कभी भी किसी कारण के व बंद हो सकती है तो इसलिए फाउंडर्स को हमेशा वो थोड़ा सा डर रहता है और रहना भी चाहिए क्योंकि कभी भी कंपनी बंद हो सकती है तो आपको क्या मिलने वाला है क्योंकि आपका जो अपसाइड होता है जो आप वेल्थ क्रिएशन वाली जो कहानी हैं वो आप कंपनी के बारह पंद्रह साल के बाद ही आपको वो जो वेल्थ है वो मिल सकती है बहुत कम कंपनियाँ होती हैं जो बहुत जल्दी मतलब मामात का इतना नाम इसलिए हो कि वो सात आठ साल में उसने आई कर दिया जोमाटो ने बारह तेरह साल में आई कर दिया ये बहुत कम कंपनियों के साथ होता है hmm. ये इट्स नॉट द नॉर्म आपने वो वाला अक्षय कुमार का मीम देखा है <laughs> वो <laughs> वो ऐसे नहीं होता है वो कि पंद्रह साल के बाद हो। <laughs> पैसे ही <पैसे laughs> हाँ <होने है। laughs> वो नहीं होने वाला है और ये बहुत लोगों को समझ नहीं आता उनको लगता है कि आपने अगर दस करोड़ उठाए तो एक बाहर से परसेप्शन है कि दस करोड़ अपनी पॉकेट में जा रहे वो आपके पॉकेट में नहीं जा रहे हैं ये ना मीडिया की गलती है बिल्कुल जब, मैं मानूंगी <laughs> जब स्टार्टअप्स एक राउंड रेज करते हैं तो मीडिया छाप देती है एक्स वाई जेड स्टार्टअप रेज थर्टी करोड़ रेज वन मिलियन इंस्टेड ऑफ सेलिब्रेटिंग रेजिंग न्यू राउंड आपको प्रॉफिटेबिलिटी सेलिब्रेट करनी चाहिए यूजर्स सेलिब्रेट ऑल्सो आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि जो जो मेहनत जो पसीना खून पसीना जो फाउंडर्स भाते हैं ना वो कहानियाँ कोई नहीं लिखता है जी और कहानी तो वही है कि आपने क्या क्या सेक्रीफाइज करे क्योंकि उसके बिना नहीं होगा मैंने आ, कल एक छोटा सा वीडियो शूट करा था आ, मैंने अपने लिंकटिन पे भी डाला है इसी को लेके क्योंकि वो नारायण मूर्ति के सेवेंटी आर वीक को लेके बहुत बवाल मचा था तो मेरा ये कहना है कि आप अगर आप प्रोफेशनल हैं तो एक अलग नजरिया है पर अगर आप फाउंडर हैं तो सत्तर भी मैं कहूँगी मतलब आपको दिन कब होती है रात कब होती है पता ही नहीं चलता है फाउंडर की जो खून पसीना एक होता है ना जी। वो फाउंडर ही जानता है और कोई नहीं जान पाएगा क्योंकि जब तक आप वो करोगे नहीं ना खुद आपको नहीं पता चलता है कि कितना कितनी मेहनत लगती है और उसके बावजूद भी आपकी कंपनी बंद हो सकती है आप फेलियर हो सकते हो या आपकी कंपनी फेल हो सकती है राइट तो वो जो एक कमिटमेंट है ना वो आपको सोचना पड़ेगा कि मेरे को वो मैं वो कमिटमेंट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ उसके बिना आप फाउंडर नहीं बनिए अगर आपको लगता है कि आपको कुछ और लाइफ में देखना है एक्सप्लोर करना है तो बहुत सारी और चीज़ें आप कर सकते हैं जिसमें आप वो सब कर सकते हैं और मैं देखती हूँ जैसे मैं यूट्यूब के जो बड़े बड़े क्रिएटर्स को भी मैं देखती हूँ वो दिन रात मेहनत कर रहे होते हैं तो जो लगता है ना कि क्रिएटर इकोनॉमी में भी ग्लैमर जो दिखता है सच्चाई वो है कि किसी भी काम में अगर आपने दिन रात मेहनत नहीं करी आप टॉप पे नहीं जा सकते हो ये सच्चाई है आ, अब आपको लगता है कि आपके पास कोई और गुरु मंत्र है जिसकी वजह से आप कर सकते हो तो आप ट्राई करो जरूर ट्राई करो अब नारायण मूर्ति ने एक तरह से कंपनी बनाई उनको वो पता है उन्होंने अपना नज़रिया बताया सबको सी जो ये हार्डवर्क की बात होती है ना वो फिज़िकल और मेंटल दोनों आपको वो चाहिए होता है कि वो इतनी एनर्जी लेवल्स चाहिए उतना एबिलिटी टू तो फोकस कि मतलब आप सत्तर घंटे हफ्ते में काम कर रहे हो तो आप कुछ मेंटल काम कर रहे हो ना आपको अपना दिमाग को फ्रेश रख के फोकस करके उसका आउटपुट भी निकालना है इट्स नॉट कि आप दफ्तर में बैठे हो और कुछ काम नहीं कर रहे हो ऐसे तो नहीं हो सकता है राइट right? दिन के मतलब हफ्ते के सत्तर घंटे मतलब हर वीकडे के चौदह घंटे सी दूसरी चीज़ है ना इंडिया में अभी भी काफ़ी लोगों के लिए जी. आप दफ्तर जाने के लिए कम्यूट टाइम इतना ज़्यादा होता है राइट right? फिर घर में आपको घर का सब कुछ देखना पड़ता है तो जो लोगों का रिएक्शन आया है उस वजह से आया कि भैया मेरे घर का राशन पानी भी मेरे को फिजिकली लाना पड़ता है एक आप कमा के पैसे लाए फिर वो सब भी चलाना पड़ता है कि भैया कभी कोई बिल देने जा रहा है कभी कुछ ख़राब हो गया घर में तो वो सब कैसे चलेगा अगर आप चौदह घंटे प्लस आप दो घंटे दोनों तरफ कम्यूट टाइम लगा दो तो फिर बचा क्या वीसी सिस्टम में रहकर आपने सक्सेसफुल फाउंडर्स देखे हाँ वो सत्तर घंटे काम करते हैं हफ्ते में यू uh, नो you know, मेरे को लगता है कि लोग मुझे ट्रोल करेंगे बट मैं कहूँगी उससे भी ज़्यादा करते हैं आप सच्चाई शेयर कर रहे हो मतलब आप एक वीसी हो यू स्कै आपका जॉब ही है कि आपको अलग अलग कंपनीज़ और फाउंडर्स को स्कैन करना है तो जितने भी right? आप पैसे ले पैसे, ले हाँ, और जो बहुत सक्सेसफुल right? जिनके पास इतना डिस्पोजेबल कैपिटल है कि वो एक वीसी को दे सकते हैं राइट right? मैं उनको देखती हूँ वो अभी इतने सत्तर अस्सी घंटे काम करते हैं या? अभी भी हम

हमारे ऑनटरपन जर्नी के शुरुआत में मेरी मेंटैलिटी ये होती थी कि और मैं सिर्फ चौबीस पच्चीस साल का था ये सब बूथ स्ट्रैप बिजनेसेस थे हमने इन्वेस्टर uh, से पैसे नहीं लिए थे पर प्रॉफिटेबल बिजनेसेस बन गए ठीक है क्योंकि मेरे को फाउंडर सब इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स थे और इंजीनियरिंग कॉलेज में ना एक मेंटालिटी होती है घिसाई की मैंटेलिटी होती है बहुत ज़्यादा uh, तो जब आप इंजीनियर्स के साथ पले बड़े हो तब आप में भी एक घिसाई की एक मैंटेलिटी होती है तो uh, मेरी एक पॉजिटिव सोच टीम प्लेयर वाली सोच ये थी कि यार मेरे थ्रू अब सौ ऑन्टरप्रनोर और निकल के आएंगे तो मेरे साथ जो जूनियर्स काम करते थे मैंने बहुत सारों को एम्पावर किया बोला कि जाओ अभी आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करो आ, हमारे ही बिजनेस के अंडर जिसे इंट्राप्रनोरशिप कहते हैं मतलब एक बड़ा बिजनेस बन गया अभी उस अम्ब्रेला के नीचे और बड़े बिजनेसेस आप बना सकते हो तो आप भी वीसी हो गए फिर

नशे में आकर बिज़नेस के बारे में जानने लगते हैं पर जब आप असल में बिज़नेस स्टार्ट करते हो आपको घिसाई के बारे में सच्चाई के बारे में पता चलता है कि शायद फाउंडर्स के लिए नारायण मूर्ति की बात सही है और हर कोई वो नहीं कर सकता देखिए आपको किसी भी फील्ड में आप एथलीट्स देख लीजिए फिल्म स्टार्स देख लीजिए लाइक ऐसा क्रिएटर इकोनमी में आप देख लीजिए आई कॉन्ट थिंक किसी भी फील्ड में मैं नहीं ये देख पाई हूँ कि जहाँ पे जो टॉप पे पहुँचे हैं वो हार्डवर्क के थ्रू ही मतलब एक वो बहुत ज़रूरी कंपोनेंट है इट इज़ नॉट दी ओनली कंपोनेंट बट अगर वो नहीं है तो मुश्किल होता है क्योंकि एक दुनिया का जो एक, एक रीत है कि चीज़ें जब रफ्तार से चलती हैं तभी उसमें जान होती है आप Uh, मतलब इंसान के शरीर में भी देख लीजिए जब तक एनर्जी है तभी आप रफ्तार से चल सकते हैं जैसे आपका एजिंग प्रोसेस होता जाता है आप धीरे 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 तो आप कम कम कर पाएंगे ना जी। तो ये मैं कहूँगी uh, ये एक रीत है नेचर की रीत है तो आप उसके अगर खिलाफ जा सकते हैं मे बी वो भी पॉसिबल हो सकता है आई डोंट नो बट अभी तक जो देखा है उससे ये लगता है कि आपको वो गसाई करनी पड़ेगी hmm. अगर नहीं एंड मैं इसलिए ये बहुत बोलती हूँ कि यू नो हाइप में आके कोई चीज़ नहीं करनी चाहिए लाइफ में एक जो बोलते हैं ना कि एक वो कॉलिंग होनी चाहिए कि मैं मेरे को करना है एक वो एक वो जुनून होना चाहिए कि मैं कुछ करके दिखाऊंगी इस फील्ड में चाहे वो कुछ भी कोई भी फील्ड हो बट ऑन्तरपना क्योंकि वो ना बहुत मुश्किल होता है एक्चुअली कंपनी बनाना यू uh, नो you know, बहुत बहुत मुश्किल होता है पीपल लोगों को लगता है कि अरे इसमें क्या बड़ी बात है इसने भी कर लिया उसने भी कर लिया इसने भी कर लिया मेरे पड़ोस में mm. तो तीन लोग हैं मेरे चाचा के तीन बेटों ने कर लिया मतलब ऐसा लगता है कि आसान है बट बहुत बहुत मुश्किल होता है क्योंकि आइडियाज़ हर किसी के होता है आइडियाज़ आइडियाज़ सबके पास होते हैं और अच्छे आइडियाज़ होते हैं बहुत अच्छे आइडिया एक्चुअली जो प्रॉफिटेबल बन सकते हैं वो आइडियाज़ होता है पर पीपल मैनेजमेंट लीडरशिप घिसाई डीलिंग विध बगन डीलिंग विध में और आपको ना जैसे एज अ फाउंडर आपका आपका जो बोझ होता है ना वो बहुत अलग बोझ होता है क्योंकि आपको अपनी टीम को मोटिवेट हमेशा करना है आपकी जितनी भी डिसअपॉइंटमेंट्स हों और बहुत डिसअपॉइंटमेंट्स होती हैं स्पेशली अर्ली स्टेज में क्योंकि बहुत लोग आपको मना करते हैं क्योंकि कोई भी एक नई कंपनी के साथ काम नहीं करना चाह नहीं। चाहता चाहे कस्टमर्स हों चाहे वेंडर्स भी हों जिसको आप पैसे देने को तैयार हो काम करवाने के लिए वो भी मना कर देते हैं राइट तो पर वो फाउंडर को हर वक्त अपनी टीम को मोटिवेट करना है हर महीने सैलरी देनी है सबको यू you नो know, और वो जो एक प्रेशर होता है ना कि फ़र्स्ट तारीख़ को तनख्वाह जानी ही जानी है दफ्तर का रेंट जाना ही जाना है वो एक अलग काइंड ऑफ प्रेशर होता है और इसमें फाउंडर्स बहुत अकेले पड़ जाते हैं क्योंकि आपकी जो टीम भी होती है ना वो भी नहीं समझ पाती है कि आपके अंदर क्या क्या हो रहा है क्योंकि रोज़ ये सोचना कि मैं और क्या कर सकती हूँ जिससे ये कंपनी आगे बढ़े बड़ी बढ़ने जिन लोगों ने मुझ में विश्वास रख के या तो पैसे दिए हैं या नौकरी करने आए हैं या जो आपके कस्टमर्स हैं जिन्होंने आपको पैसे दिए हैं बिजनेस गेट बिल्ट ऑन वॉट द इकॉनमी इज़ एक्सेप्शनल बिजनेस गेट बिल्ट वे यू क्रिएट द इकॉनमी तो अगर आप जेफ बिजोज का एक बहुत एक वीडियो uh, है दैट इज़ क्वाइट वायरल वैन ही हैड जस्ट स्टार्ट अमेजोन एंड वो ट्रिलियन में बात कर रहा था तब यू आज इकानमी ट्रिलियंस में थी नहीं सो दैट्स फॉर अ ग्रेट फाउंडर इज़ कि आप अपने बलबूते पे इकोनॉमी और आप दोनों आपने इकोनॉमी में इतना कॉन्ट्रीब्यूट करा सो जो वो फैंग बोला जाता है अमेरिका में दीज आर ऑल ट्रिलियन डॉलर कंपनीज राइट पर ये जब कंपनियाँ बनी थी तो उस वक्त अमेरिका की इकॉनमी ये साइज़ की नहीं थी तो मैं ये कह रही थी कि जो अच्छे जो एक्सेप्शनल फाउंडर्स होते हैं वो ऐसे होते हैं वो अपने साथ इकॉनमी को भी ग्रो करते हैं वो इकोनॉमी के साइज़ से लिमिट नहीं हो जाते हैं बट फॉर मोस्ट बिजनेसेस आपको इकोनॉमी का साइज देखना पड़ेगा जिस इकोनॉमी में आप बेच रहे हो बढ़ रहे हो अब आप, आप ये कह सकते हैं कि हाँ ठीक है आप इंडिया में आपने कंपनी बनाई और आप अमेरिका चले जाओ पर इतना आसानी है क्योंकि सबको पता है कि वहाँ पर मार्केट बहुत डीप है तो हर कोई जाएगा और उनकी जो एग्जिस्टिंग लेगेसी कंपनीज़ हैं वो भी हैं तो आपका जो एक होता है कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ज़्यादा होता है तो आपको उस तरह के फिर फंड्स चाहिए अगर आपको वहाँ पे बनाना है बट आप इंडिया में भी बड़ा बिज़नेस बना सकते हो अगर आपको आपकी ओरिएंटेशन जैसी ये फैंग कंपनीज़ की थी चाहे पहले दिन नहीं थी बट मे बी पाँचवें साल में या दसवें साल में या पंद्रहवें साल में उनकी एग्जिस्टेंस के उनको ये समझ आया कि ये कितना बड़ा बन सकता है तो मैं वो जेफ़ बीजोस के जो वो वीडियो की बात करी थी उसमें वो ही इज़ टॉकिंग लाइक क्रेज़ी नंबर्स एंड आज कोर्स कोई हंस नहीं रहा है बिकॉज एक्चुअली हासिल कर लिया हाँ वो उन्होंने करके दिखा दिया है बट कहने का ये मतलब है कि आपके पास इम्पॉसिबल ड्रीम्स होनी चाहिए एंड उस इम्पॉसिबल ड्रीम्स को आपको रोज़ वो सपने देखने चाहिए पर उसके साथ काम भी करना पड़ता है और वो जी जान की मेहनत करनी पड़ती है और वो हो सकता है तो आज अगर वी को नहीं समझ आ रहा है देर इज़ नो प्रॉब्लम आप गूगल की कहानी देख लीजिए आई थिंक सत्रह या बीस वी ने उनको मना करा था डिस्पाइट uh, की जो सर्गे ब्रिन है जो एक को फाउंडर हैं मीन ही वॉज़ कंसिडर्ड अ जीनियस इन स्टैंडफर्ड उसके बावजूद उनको इतने रिजेक्शन फेस करने पड़े बिकॉज जो एक वो जो एक्स फैक्टर है ना कि अगर कोई जीनियस है या कोई बहुत अच्छा कर रहा है उसकी कंपनी उस साइज तक वो किसी को नहीं पता वो एक्स फैक्टर कहाँ है कब है वो दिखता नहीं है तो वो आइडेंटिफाई करने में ही सारे वीसीज की जान चली जाती है क्योंकि यू को डाई राइट इट्स अ लिटिल बिट लाइक यू नो वाइल्ड वेस्ट में जब लोग सोना ढूँढने जाते थे तो बहुत लोग ही जान जाती थी क्योंकि सोना इतनी आसानी से थोड़ी मिलता है राइट right? mm. और उस वक्त नहीं मिलता था तो जो जितनी भी अगर आप वेस्टर्न्स uh, देखेंगे मूवीज़ सो उसका सब्जेक्ट मैटर सबका यही है कि आप सोना कैसे आप यू नो आई फॉरगेटिंग द नेम ऑफ दिस मूवी बट ये बहुत अच्छी एक मूवी थी ऑन इलेक्ट्रिसिटी कि एडिसन वर्सेस निकोला एंड हाँ सी हाँ कुछ एंड माई गॉड तो यू नो आप वो पिक्चर देखो निकोलास एट इज एन ऑल्सो ऑफ कोर्स यू नो नॉट हाँ स्मार्ट बट हाउ दैट होल थिंग आप इलेक्ट्रिसिटी को कैसे आई मीन यू नो लोग डर रहे थे पर फिर जे पी मॉर्गन एज ए इंडिविजुअल उसने पैसा लगाया फर्स्ट वर्जन ऑफ वीसी सी तो मेरा ये कहना है कि वो जीनियस बनेगा या स्मार्ट वाला बंदा यू नो समथिंग दैट डिफाइन एंड शैटर्स कि वो दुनिया बदल दी उसने ना द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ने सब कुछ बदल दिया पूरी दुनिया में सब कुछ बदल दिया तो ऐसा अगर आपको काम करना है वो बहुत कम लोग होते हैं दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं बट एवरीबडी शुड ड्रीम टू बी दैट अगर आपको ये क्लिप अच्छा लगा तो ऐसे ही हज़ार क्लिप्स अपलोड किए गए इस चैनल पर बस देखते जाओ और सीखते जाओ